हेलो दोस्तों, आप सभी का मधु कुशवाहा के चैनल में स्वागत है। तो आइए, आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, आज हम नए तरीके से पराठा बना रहे हैं कच्चे आलू के। तो गाइस, हमने यहाँ पे एक कच्चा आलू ले लिया है और दो मिर्च है और एक प्याज हमने बड़ी काट लिया है जिनसे अच्छे से छील के। तो अब मिक्सर जार में हम इसको सारा कुछ डाल के पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं सारा कुछ हमने डाल लिया है और इसमें अपने स्वाद का चाहना कड़ुआ तीखा जैसा खाना पसंद करें उसे मिक्स डाल दीजिएगा। तो एक हमने यहाँ पास टमाटर को भी काट के इसमें डाल रहे हैं, तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी। तो इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं, बारीक पीसना है महीन के। मैं यहाँ इसमें दो मिर्च और डाल रही हूँ कि थोड़ा और तीखा हो जाएगा, इसलिए कि मेरे यहाँ तीखा खाते हैं ना। तो गाइस, मेरा बैटर तैयार हो चुका है, तो मैं इसको बड़े कटोरा में निकाल रही हूँ। तो इसमें मिलाते बनेगा, तो देख सकते हैं इसी प्रकार आपको इतना बारीक पीसना है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा से मिर्च डाल रही हूँ, पाउडर है, ये घर का पिसा हुआ मिर्च है, और काली मिर्च है 10-12 दाना मैंने कूट ली हूँ, उसको भी डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी हींग है। तो गाइस, इसको सारा कुछ मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें, और स्वाद के अनुसार नमक इसमें डालना है अपने हिसाब से। जैसे आप लोग ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा लगेगा सामान, कम बनाएगा। तो मैं एक कटोरी भर के आटा डाल रही हूँ, तो धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स, पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है, इसलिए कि ज़्यादा डालने के एक बार ही डाल देंगे गुठलियाँ बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे तो अच्छा से बैटर तैयार होगा। तो देख सकते हैं मेरा बैटर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है मुझे थोड़ा सा पतला है, इसमें थोड़ा आटा और मिलाना चाहिए। तो ये देखते हैं इसको बना के, थोड़ा आटा इसमें और मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो ये अब मेरा बैटर तैयार हो चुका है, फिर भी लग रहा है मुझे पतला है अभी इसमें। तो चल रही हूँ गैस की तरफ, मेरा तवा हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा से तेल लगा देती हूँ। तो एक चम्मच भर के, मैं बड़ा वाला चम्मच है, इसमें बैटर डालती हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है। फैल तो रहा अच्छा, लेकिन अब देखती हूँ निकालने में कैसे निकलता है ये। तो गाइस, आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक करना और कमेंट करना, और नए हो तो फॉलो कर लेना। तो मैं ये साइड में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती हूँ, तो जल्दी ये निकलेगा। तो आप लोग भी इसी प्रकार आप बनाइए और खाइए। तो देख सकते हैं मेरा सारा पराठा बन के तैयार हो चुका है, कितना अच्छा बना हुआ है। आप लोग भी इसी प्रकार बनाइए और खाइए, और ना बना पाए तो मेरे यहाँ आइए, मैं बना के आप लोगों को खिलाती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बहुत बढ़िया लगता है। आप सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में भी डाल सकती हैं बना के, और इसको बनाना बहुत आसानी है, इजी है, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है, बस बहुत इजी है, क्या बताएं। इसको बनाना मैंने पहले सोची बहुत कठिन होगा, ये करना वो करना, लेकिन कोई वो नहीं, बहुत जल्दी बन गया है। गाइस, इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए और खाइएगा, और कमेंट करके बताना कैसा मेरे मतलब कच्चे आलू का बना हुआ है पराठा।